गाइस जो बॉल है इतनी स्पीड से आ रही है, देख सकते हैं आप। डे मेरा डे ऑफ और मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे खिचड़ी। अरे देखिए मैंने इसके लिए पहले ऑनियन और गार्लिक। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है मेरा डे ऑफ और जैसे कि आपने देखा कि मैं आज अभी बना रहा हूँ लंच। तो ऐसा कुछ है, आजकल है बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अभी यहीं पे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ रूम पे। तो मैंने अभी डाला इसमें ऑनियन गार्लिक और जीरा, इस तरह से मैं भून रहा हूँ। तो साथ ही साथ ही मेरे यहाँ पे टमाटर भी कट गया है, यहाँ पर मैंने राइस और यानी दाल साथ में भिगा दी है। तो आज कुछ ऐसा है मेरा छुट्टी का कुछ लंच, टमाटर यहाँ पे दो तीन चिल्ली भी काट देंगे साथ में, और ज़्यादा मसाले नहीं रहते मेरे मसाले, जस्ट हल्दी डालूंगा इसमें और मेरे पास पड़ा है धनिया पाउडर। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी ऑलमोस्ट चढ़ा दी है, देखिए आप मिक्स कर दिया, और इसमें मैंने थोड़ा पानी जो ज़्यादा रखा है ताकि मेरे को जो खिचड़ी है वो एकदम मेरे को यानी जो थिक वन है ना, यानी गाढ़ापन है तो कम रखना है मेरे को, थोड़ा पतला पतला खिचड़ी अच्छी रहती है। चलिए अभी इसको पकने देते हैं आराम से, उसके बाद मिलते हैं आपको। और यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ एसिस चल रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो बहुत फेमस, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरीज होती है एसिस, वो चल रही है। और डे फोर है जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन बारिश हो गई है। तो अभी यहाँ पे देखिए आप ऐसा कुछ है, तो देखते हैं अगर बारिश रुक गई होगी, अभी तो बादल लगे हैं काफ़ी, अगर बारिश रुक जाएगी तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बात करूँ तो यार क्या बोलूँ, इतनी गर्मी है बाहर, ये देखिए आप। जैसे मैं यहाँ पे इंटर होता हूँ ना बाहर के लिए, तो एकदम हीट जैसे आती है, एकदम जैसे देखिए फुल हीट है एकदम, जैसे गांव में चूल्हे पे बैठे होते हैं ना गांव में, आपको मालूम है, तो हीट कैसी आती है, तो वैसे ही कुछ हीट है यहाँ पे, फुल गर्मी है। तो ऐसे में ब्लॉग करना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये मैं जहाँ पे रहता हूँ उसी की गली है, तो ये हॉल है और यहाँ अंदर की साइड में रूम है, पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस, मैं अभी हाँ शाम के अराउंड 7 PM हो रहे हैं और मैं जिम में आया हूँ। देखिए ये है मेरा जिम, यहाँ पे है। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे हल्का वर्कआउट किया, अराउंड हाफ एन आवर थोड़ा ट्रेडमिल पे भागा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, मैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको मैं दिखा देता हूँ जिम यहाँ पे, वैसे जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं तो उनको तो मालूम ही होगा कि कैसा है जिम, और मैं खाली जस्ट भागता हूँ ट्रेडमिल पे। और ये अभी ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो चुका है, और ये है सोसाइटी जहाँ पे मैं रहता हूँ, कुछ ऐसा है नाइट का व्यू। तो गाइस मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, क्रिकेट एकेडमी है और तो यहाँ पे अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो आपको दिखाता हूँ मैं जो ये क्रिकेट एकेडमी है यहाँ पे कतार में, तो कैसा है। तो ये देखिए नेट्स लगे हैं यहाँ पे मेरे सामने पे, नेट्स लगे हैं और ये पूरी जो एरिया है ये सारा प्रैक्टिस एरिया है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी यानी जो कतर की लोकल टीमें हैं वो सारी आती हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। देखिए पूरा यहाँ से लेके नीचे से लेके, और ये यहाँ पे 1 2 3 4 नेट यहाँ पे लगे हैं, तो कुछ इस तरह से है। आपको बॉल दिखाता हूँ मैं जो मतलब प्रैक्टिस मैच में जो बॉल होती है सो वाइट बॉल होती है, देखिए आप तो इससे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपने जो कि वनडे मैच में भी देखा होगा, तो यही वाली बॉल जो सीजन बॉल है तो यही वाली यूज होती है। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। तो ये है फर्स्ट नेट,
ख्याल में क्लास। पापा जी क्या हाल? क्या हाल? बढ़िया। और यूट्यूब जस्ट। और कहाँ से? इंडिया। इंडिया? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान कितने? पाकिस्तान राहुलपिंडी। राहुलपिंडी वाह, तो राहुलपिंडी एक्सप्रेस है यहाँ पे हमारे सामने पे, और यहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस, तो आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा। ये देखिए आप, वाह बॉलिंग। तो बेसिकली ऐसे नेट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 नेट्स है। और ये जो स्टिक होती है, जो आपने बहुत सारे बार क्रिकेट मैच में देखी होगी, प्लेयर्स लोग इससे प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोलते हैं पाजी इसको? भाई ये जो है ना, इसको बोलते हैं रोबोआम। रोबोआम है, इसमें डिफरेंस है ना, लेकिन ये रोबोआम है, ये कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बॉल का। हाँ जी। और ये है साइड आर्म, ये आप खुद इसकी आप मतलब लेंथ जो है ना, वो खुद आप पिक करते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप हाँ जी फिक्स कर सके। हाँ जी। तो जब आप बॉल छोड़ते हैं तो यहाँ से कुछ प्रेस होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक छूट जाते हैं ये? नहीं, ये इसकी प्रैक्टिस होती है। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस करना। मैं लेवल 1 कोच हूँ पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, ये इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के बगैर आप इससे इंजर्ड हो जाते हैं। बराबर, बॉल जम पे चली जाती है, स्पीड भी बहुत होती है इसमें। तो इसमें आपके अपने तक है कि आप कितनी स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, कितनी इंक्रीज कर सकते हैं। राइट राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, और पेस भी इससे ज़्यादा होती है क्या? नॉर्मली हम फेंकते हैं, आप 140 प्लस फेंक सकते हैं नॉर्मल, जो भी होता है, जितनी आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आप मतलब जैसे हम फिजिकली बॉलिंग कराते हैं तो उससे ज़्यादा पेस इससे हो जाती है? उससे ज़्यादा पेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्टिक इसीलिए है कि स्विंग भी होते हैं इसमें। अच्छा भाई, चलो आप कंटिन्यूस करिए। अंदर आ चुका हूँ नेट्स के, तो आपको मैं बैटिंग साइड दिखा देता हूँ। हाँ, रियली व्हाट्स नेम? या ही इज फोकस, फुली फोकस, नाइस ब्रो। व्हाट्स योर नेम? आयुष। सो ही इज अंडर 19 प्लेयर। You playing from which country? Qatar? From Qatar? Okay. And where from? India. India. Which part? West Bengal. West Bengal. Yeah. Okay. Good. Keep it up, brother. So, ये अभी practice कर रहे हैं यहाँ पे. Short, buddy. Short. गाइस, जो बॉल है इतनी स्पीड से आ रही है, देख सकते हैं आप। वाह, शॉट। ओके ब्रो, गुड लक, सी यू। पाजी हैं कोच, पाजी से कह रहे हैं बराबर, तो ऐसा कुछ है। पाजी ये नीचे मैट हैं पूरे? अच्छा अच्छा, तो ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं पूरे मैट हैं, ये ग्रासी बनाया है। वो जो है वो प्रैक्टिस के लिए आ गए। अच्छा अच्छा, वो हमारा वो बॉक्स क्रिकेट के लिए भी। चलना नहीं है, ठीक है, बस बॉल को करीब आने देना, बस फ्रंट लेग निकाल कर ये अपना पाँव आगे वाला पीछे करे।
जो है ना, जहाँ बॉल आती है फ्रंट फुट आप कर जाना चाहिए उसकी तरफ। अच्छा, यहाँ पे बॉल इधर गिर रही है, इंपैक्ट पे जाना चाहिए। तो फाइनली गाइज मैं अभी रूम पे आ चुका हूँ, रात के 8:30 हो चुके हैं। तो आज का डे ऑफ था मेरा कुछ ऐसा था, तो ज़्यादा कुछ मैं दिखाया नहीं, बाहर गया नहीं, बिकॉज आजकल यहाँ पे काफ़ी गर्मी चल रही है तो बाहर मैं जा नहीं पाया। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक क्रिकेट एकेडमी था जैसे कि आपने देखा होगा, और मैं जिम भी गया तो खाना पीना बनाया लंच में। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा था, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।